हाँ तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है, या हम कह सकते हैं कि एक फिगर दिया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के पेज नंबर 220 पर। इसमें जो फिगर दिया है दोस्तों, ये है आपका, ये फिगर है बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अब देखो, हमको फिगर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है एक क्वेश्चन कैसे आता है इस फिगर से, और अभी तक क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये फिगर की नेमिंग आती है करने के लिए हमको, जिसमें है डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट, कॉनिफेर फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। दोस्तों इतना तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। याद रखना, जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है। किस में है? डिग्री सेल्सियस में। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो डिग्री डिग्री सेल्सियस में है, और जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो सेंटीमीटर में है। वो आपको कंफ्यूज कर देगा, तो पूछेगा, ग्राफ दे दे के पूछ देगा, सब कुछ सही देगा, सब कुछ ग्राफ या ये फिगर दे देगा, उसमें चार ऑप्शन बनाएगा, तीन ऑप्शन बिल्कुल सही देगा, और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। द ग्राफ बिटवीन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर में तो नहीं है, ग्राफ ये केल्विन में तो नहीं है, कहीं ये ग्राफ दूसरे यूनिट में तो नहीं है। तो यूनिट बहुत नेसेसरी है याद करना दोस्तों। सबसे पहले जो बात है हमारी, क्या मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में है। यहाँ तक बात समझे आप लोग? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले आता है क्या, डिजर्ट, फिर आता है ग्रासलैंड, फिर आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट, फिर कोनीफेरस, फिर क्या आर्कटिक। तो बात करते हैं क्या डिजर्ट की। डिजर्ट में देखो, मिनिमम रेनफॉल जो होगा, डिजर्ट है, डिजर्ट एरिया सबको पता है, कंगारू रेड जहाँ पे रहते हैं, डिजर्ट एरिया में मिनिमम रेन होगा, मतलब कम से कम बारिश होगी। तभी आप लोगों ने कैक्टस का नाम सुना रहेगा। कैक्टस की जो लीफ होती है वाइड होती है, और वो जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर कम होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत कम होती है। मतलब अगर मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम रेनफॉल तो हायर टेम्परेचर, याद रखना। फिर आता है आपका ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब क्या, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मतलब मैक्सिमम रेन कहाँ पे होगी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। मिनिमम रेन कहाँ पे होगी, और डिजर्ट में होगी। मैक्सिमम रेन कहाँ पे होगी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। अब देखो, अब बोलोगे भाई ये मिनिमम तो हाई टेम्परेचर यहाँ है, तो यहाँ टेम्परेचर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये याद करके मत जाना कि यहाँ हाई टेम्परेचर मिनिमम रेन, यहाँ लो टेम्परेचर मैक्सिमम रेन, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और वो ऐसे ही ऑप्शन बनाते हैं। ये टेम्परेट है तो मतलब टेम्परेचर यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा। ये याद रखना, कौन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है हमको, ये कौन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। दैट इज़ कॉल्ड क्या, कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्नो शो करते हैं। स्नो मतलब समझते हैं कि बिलो द जीरो डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में होना नेसेसरी है। कहाँ पे? आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्नो। स्नो मतलब क्या, बर्फबारी। जहाँ हमेशा बर्फबारी होती हो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। मतलब देखो, जहाँ सिर्फ, अब देखो ध्यान से यहाँ देखना, यहाँ क्या था हमारा, डिजर्ट, मिनिमम रेन, टेम्परेचर हाई, आर्कटिक, वनली स्नो, रेनफॉल बहुत कम होता है। हम सुनते हैं कि पानी नहीं बरस रहा है, सिर्फ बर्फबारी हो रही है। कभी आपने सुना होगा बर्फबारी, तो बर्फबारी जो होती है वो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है। अब बात आती है इन चीज़ों को सीक्वेंस में कैसे याद रखें, हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपने अरिजीत सिंह का नाम सुना होगा, कंप्यूटर का नाम सुना होगा, और जमाना हमारा डिजिटल है, ठीक है। तो एक मैं आपको निमोनिक्स दे रहा हूँ, जिसका नाम है डिजिटल टॉपर ऑफ कंप्यूटर अरिजीत। ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से मैं जूम कर दे रहा हूँ, डिजिटल टॉपर ऑफ कंप्यूटर अरिजीत। डिजिटल का मतलब क्या, डिजर्ट, डी का मतलब डिजर्ट, जे का मतलब, जी का मतलब क्या, ग्रॉसलैंड, टी का मतलब क्या, टेम्परेट, फिर टी का मतलब क्या, सॉरी वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, डी का मतलब क्या, डिजर्ट, जी का मतलब
ग्रासलैंड, टी का मतलब क्या ट्रॉपिकल, फिर आपका आता है क्या टॉपर का मतलब टेम्परेट, कंप्यूटर का मतलब क्या कोनीफर्स, अर्जीत का मतलब क्या आर्कटिक या एल्पाइन टुंड्रा। तो दोस्तों इससे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं बन सकता। और एनसीईआरटी में एक बात दी गई है जो ये लाइन पढ़ के समझ लेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया यहाँ पे सीबीएसई वालों का। फिलहाल क्वेश्चन हार्स हैबिटेट क्या होता है, हार्स हैबिटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।